हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 14 लेके आ रहा हूँ। मैं मुझे मालूम है कि थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते थे कि सर नेक्स्ट पार्ट कब ला रहे हैं, सर थोड़ा जल्दी लेके आइए। तो बस अब आ ही गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो इस पार्ट में जो है डियर स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम मैं आपको बता दूं। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा था, देन चार्ज देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखा था एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा था। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, ये सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब देखो, इस टॉपिक में जो हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पहली बात तो ये। दूसरा, ये हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि ये जो आपका कन्वेंशनल करंट है, ये कन्वेंशनल करंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये दोनों जो है इसी पर आपका कवर हो जाएगा जब अपन कन्वेंशनल करंट करेंगे तो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, करने वाले हैं। देन उसके बाद की बात में देखेंगे क्या करना है। तो देख लो, पहले हम लोग सबसे पहले तो जाने इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी बातें की है। तो इसको जानने से पहले हम लोग तो पहले जानें कि करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या है पहले वो जान लें। करंट डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी चीज़ को बहने, बहाव को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। किसी भी चीज़ को बहाव, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज़ अगर बह रहा है, फ्लो कर रहा है ना, तो फ्लो ऑफ एनीथिंग, और यू कैन से दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। किसी भी चीज़ का बहाव किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट पे, कि इस टाइम पे, इतने टाइम पे ये चीज़ कितना बह रहा है, इट इज़ कॉल्ड करंट। आप सब समझो इस बात को, मैं आपको एक और डेफिनेशन देता हूँ। डेफिनेशन नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल देखे बताता हूँ कि जैसे कि आपके घर पे मोटर लगा होगा, सबके घर पे लगा रहता है, मैक्सिमम के घर पे तो मिल ही जाता है, अब तो मिल ही जाता है। तो अपन क्या करते हैं, टैंकी में पानी भरते हैं, तो पानी भरते हैं तो बस स्विच ऑन किया, मोटर शट हो गया है ना, और वो जो है पानी डालना स्टार्ट कर दिया, पानी निकलना स्टार्ट हो गया। तो सपोज उसमें से जो पानी निकल रहा है, अगर ये पाइप है हमारा, ये उसका पाइप है, समझो इस बात को, ये है वो पाइप, और इस पाइप से अगर पानी निकल रहा है ना, यहाँ एक साइड से जो मोटर कनेक्ट है और यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, बहुत फास्ट में निकल रहा है, जितना एचपी का आपका मोटर होगा है ना, जितना हॉर्स पावर का मोटर होगा, पानी का उसी हिसाब से निकलेगा, तो पानी निकल रहा है। तो अगर सपोज मैंने कहा कि हर 2 सेकेंड पर 1 लीटर पानी आता है, 1 लीटर, ये जो मोटर से पानी निकल रहा है, हर 2 सेकंड पे 1 लीटर का पानी निकल रहा है, तो यही तो हो गया हमारा, क्या हो रहा है कि 2 सेकंड में 1 लीटर पानी जो है ये हमारा निकाल रहा है। ये अगर मान लो कि आपका ये हाफ एचपी का या 1 एचपी का, 1 एचपी का हॉर्स पावर का आपका मोटर लगा हुआ है, अब वो इतना निकाल रहा है, ये भी हमारा क्या है, करंट ही, पास में आएगा ना, इसको क्या बोलेंगे, वाटर करंट बोलेंगे, क्योंकि वाटर निकल रहा है हमारा, वाटर फ्लो कर रहा है, जो चीज़ फ्लो कर रहा है उसका करंट हो जाएगा, बात समझ में आ रही ना। इस केस में वाटर फ्लो कर रहा है, सपोज जब आप कभी किसी को खून देते हो, दिया है कि दिया नहीं दिया पता नहीं, बट मैंने दिया है तकरीबन 3-4 बार तो दे दिया है। तो जब आप खून देते हो, तो जब आपके नस में, वेन में जब वो सिरिंज डाला जाता है, तो आपके नस से क्या होता है, ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, जो 1 यूनिट ब्लड वो जो निकालते हैं, 1 यूनिट मीन्स दैट 250 ml वो जो है वो निकालते हैं। तो जो उन्होंने निकाला, तो उसको निकालने में जो टाइम लगा, तो वो तो निकलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ब्लड तो बह रहा है ना हमारे अंदर, वो बह रहा है, तो जैसे ही इंजेक्शन डाला और ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये भी तो करंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लड करंट। बस में जैसे ये हमारा वाटर करंट था, उस तरह से वो ब्लड करंट हो गया। इसी तरह से एयर जब मूव करता है हमारा, हवा भी मूव करता है ना हमारा, तो एयर मूव कर रहा है, फ्रॉम हायर टू लोअर मूव करता है, तो ये भी हमारा क्या है, करंट ही है, करंट ही है ना ये भी, तो ये एयर का करंट हो गया, उसको बोलेंगे एयर करंट। हवाओं में बहाव जो है, हवा जो है उसका बहाव, तो इसको एयर करंट, तो यही हो गया हमारा क्या, करंट। क्लियर है यहाँ तक मेरे ख्याल से? अब जो है करंट, आपको एक करंट वर्ड समझ में आ गया होगा कि करंट क्या है, कि किसी भी चीज़ का बहना किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, इट इज़ कॉल्ड करंट। तो आइए अब हम लोग उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देख लो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, आप लोग इसको आराम से इजी वे में नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो करंट,
करंट क्या है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी थिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, ये जरूर मैंशन करना है, बहुत जरूरी है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी थिंग, किसी भी चीज़ का बहाव, है ना, किसके रेस्पेक्ट पे, टाइम के रेस्पेक्ट में, इट इज कॉल्ड वॉट, करंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मैंने बता दिया आपको कि ब्लड करंट हो गया, एयर करंट हो गया, वाटर करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट तो किसका बहाव, इलेक्ट्रिक मीन्स हो गया चार्ज, बात समझ में आ रही ना, तो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज का बहाव, ठीक है, हमारा टॉपिक यही है, हमें पढ़ना यही है, इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ना है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आइए इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, है क्या। तो हमें करंट तो मालूम चल गया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी थिंग इज कॉल्ड करंट, उस एनी थिंग के जगह पे अब चार्ज लगा दो, बस हो गया, आपका डेफिनेशन बन गया। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ना द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज के फ्लो होने का रेट, बात समझ में आ रही ना। अब वो चार्ज कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो बात की बात है, वो हम लोग देखेंगे। बट अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया हमारा इसका डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं इसका SI यूनिट के बारे में कि इसका SI यूनिट क्या है। तो द SI यूनिट क्या है इसका हमारा, तो SI यूनिट क्या है करंट का, वो क्या है, एम्पियर है, एम्पियर SI यूनिट। और क्या है, क्या बोल सकते हम लोग कि कूलम पर सेकेंड चार्ज का बहाव, ना कूलम में क्या होगा, मैं चार्ज, तो चार्ज जो हमारा बह रहा है, तो चार्ज का बहाव प्रति सेकेंड, हर एक सेकेंड जो है कितना चार्ज बह रहा है, इट इज कॉल्ड व्हाट, इसी को हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। यही हो गया हमारा क्या, करंट, बात समझ में आ रही ना। तो कूलम पर सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर। तो ये हो गया हमारा SI यूनिट। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन क्या है। तो देखो डायमेंशन जो है उसको अपन कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, या नहीं तो और एम्पियर से भी इसको डिनोट करते हैं, ए से। ये आपका जो है ये हो गया हमारा क्या, डायमेंशन ऑफ करंट। तो यहाँ तक तो क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। आइए अब जो है हम लोग देखने वाले हैं, पहले इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानेंगे। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि अभी तो देखिए, जैसे कि हम लोग एम्पियर तो मालूम चल गया कि एम्पियर क्या है, मगर वन एम्पियर इसके बारे में पहले जान लें कि वन एम्पियर क्या है। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, वन एम्पियर के बारे में। तो वन एम्पियर क्या हो जाएगा हमारा, जो हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा कि एक कूलम जो है आपका, अगर एक सेकेंड में एक कूलम बह रहा है, एक कूलम चार्ज जो है हमारा वो फ्लो कर रहा है एक सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वन एम्पियर। वन एम्पियर इज डिफाइंड एज, आप उसे लिख सकते हो कि वन एम्पियर इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ वन कूलम चार्ज पर सेकेंड थ्रू सर्किट भी आप बोल सकते हो, या थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर थ्रू सर्किट। तो यानी कि सर्किट से क्या हो रहा है कि जब एक कूलम चार्ज आपका जो है प्रति सेकेंड, जब आपका वन कूलम चार्ज बहेगा, ट्रांसफर होगा
फ्लो होगा ना, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, 1 एम्पियर। तो ये हमारा हो गया 1 एम्पियर चार्ज। अब आइए हम लोग से जो है कुछ और चीज़ें हैं इस पर बेस्ड, वो पहले हम लोग देख लें कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन सा क्वांटिटी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या, वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि करंट जो है वो कौन सा क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये कौन सा क्वांटिटी है आखिर, तो उसके बारे में हम लोग देखना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। तो देखो, अगर हमारा ये करंट है, सपोज करंट जो है बह रहा है, ठीक है, डायरेक्शन भी हमारा दिया हुआ है कि इस डायरेक्शन में जो है करंट बह रहा है। वैसे करंट का डायरेक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, टॉपिक अभी हमारा बचा हुआ है। तो सपोज अगर ये आपका ये ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है, और करंट जो बह रहा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रहा है, बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा डायरेक्शन भी गिवन है, क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड तो करंट में होगा ही, तो जाहिर सी बात है कि इट हैज मैग्नीट्यूड, इसका क्या है मैग्नीट्यूड है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो क्या ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हालांकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं, फिर भी ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ये हमारा जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ लिख दो एज वेल एज डायरेक्शन, बट क्यों है मैं बता रहा हूँ, वो देख लो, बट इट डज नॉट, इट डजंट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो व्हाट, वेक्टर एडिशन, एडिशन ये क्या बात हुई कि ये वेक्टर एडिशन ये क्या है, तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। यानी कि करंट में हमारा मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट क्या हो रहा है कि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसके वजह से जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर भी नहीं है, आपका है टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी आप इसके बारे में पढ़ोगे, अभी नहीं, जब आप 11th 12th में चले जाओगे तो उसके बारे में आप और भी अच्छे तरीके से जानोगे टेंसर क्वांटिटी के बारे में। बट अभी आपका जो लेवल है क्लास 10 के बारे में, तो जहां तक बात कर रहे हैं क्लास 10 में, तो अभी आप सिर्फ इतना ही जानो कि हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, बात समझ में आ रही ना, ये वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ये एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। कैसे, सपोज अगर एक यहाँ पर एक ज्वाइंट है, और इस ज्वाइंट से समझना बात को, इधर इधर से जो करंट है वो आ रहा है आपको 5 एम्पियर का, सपोज 5 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, और इधर से जो आपका जो करंट आ रहा है, इधर से भी करंट जा रहा है, एक पॉइंट आपका बी है और एक पॉइंट सी है, तो बी से जा रहा है हमारा और सी से भी जा रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर का करंट पास हो रहा है सपोज, तो 5 एम्पियर का करंट इधर से पास हो रहा है, 4 एम्पियर का करंट इधर से पास हो रहा है। अब जो ये करंट निकलेगा हमारा, ये जो करंट निकलेगा हमारा यहाँ से जो निकलेगा और ए की तरफ जो जा रहा है, तो ये कितना होगा हमारा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5 + 4 9, तो ये 9 एम्पियर का करंट इधर जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। तो चाहे वो आपका ये एंगल कितना भी हो, इस एंगल से कोई लेना देना नहीं, चाहिए एंगल आपको 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से कितना भी वो पास करेगा, तो जब ये इसका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि बाहर जो करंट निकलेगा, उन दोनों को एडिशन निकलेगा, इन दोनों को सम करने के बाद वो हमारा आएगा, यानी कि ये एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है, जो एल्जेब्रिक सम है हमारा उसको फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन को, एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, है ना। इट फॉलोज, आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पर कि इट फॉलोज एल्जेब्रिक एडिशन, ये एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, यही रीजन है हमारा कि ये जो है हमारा क्या करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है, देयर फोर आप लिख सकते हो कि देयर फोर इलेक्ट्रिक करंट बोलो या करंट बोलो भी, तो इलेक्ट्रिक करंट, करंट इज व्हाट, अ स्केलर क्वांटिटी। यही रीज़न है कि आपको जो इलेक्ट्रिक करंट है, है ना, हमारा जो करंट है, करंट क्या है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने आपको बता दिया कि वो
वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, हालांकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट क्या है कि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ये रीज़न है कि स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स की डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर आपका कन्वेंशनल करंट, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर डायरेक्शन ऑफ करंट होगा क्या, तो ये हम लोग देखने वाले हैं, वो देख लो अब। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या कन्वेंशनल करंट, इसी से जो है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इसी पर बेस्ड है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो हमारा एक टॉपिक है वो भी आपका कवर हो जाएगा कन्वेंशनल करंट के थ्रू। तो अब समझो इस बात को कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, समझना इस बात को कि ये कन्वेंशनल करंट है क्या। तो ये बात है आपको क्या, अब थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, थोड़ा बैकग्राउंड पे आपको लेके जाना पड़ेगा कि कब 17 जनवरी, ठीक है ना, 17 जनवरी 1706 में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और उन्होंने जो है चार्जेस के बारे में बताना स्टार्ट किया, तो उन्होंने चार्ज के बारे में बताया कि सिर्फ किसी दो जो आपका जो ये थिंग्स है उसको रब करने से, यानी कि फ्रिक्शन से चार्ज हमारा प्रोड्यूस नहीं होता है, हालांकि चार्ज प्रोड्यूस होता है जब उसमें फ्रिक्शन होता है, तो चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आपका करंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा वो प्रोड्यूस होता है। कब होता है हमारा, जब चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन पर होता है हमारा, ये हमारा क्या, ये क्या बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने है इसके बारे में बताया था। फिर क्योंकि देखो उस वक्त जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर बहुत ही रिसेंट इधर हुआ है, 17 सेंचुरी में आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। उस वक्त करंट का के बारे में आ चुका था, करंट के बारे में सारी थ्योरी आ गई थी, बट इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था कि इलेक्ट्रॉन क्या, वो बाद में डिस्कवर हुई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो फ्लो करता है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये फ्लो करता है हमारा, है ना। तो जैसे कि अगर वाटर ही है आपका, तो वाटर जो बहता है हमारा तो वो क्या होता है कि हायर लेवल से लो लेवल की तरफ बहता है। जब पानी भी हमारा बहता है, अगर दो टैंकर है हमारा, सपोज़ ये दो टैंकर है, एक टैंकर में आपका पानी फुल है, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक पाइप लगा दिया इस टैंकर पर। अब जो वाटर जो मेरा फ्लो करेगा तो ये इस टैंकर पर फ्लो करेगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ फ्लो करेगा, तो क्या हो रहा है कि हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर जो है हमारा वो फ्लो होना शुरू हुआ। इसी तरह से कोई भी चीज़ जो फ्लो होता है, जैसे कि एयर ही हो गया, एयर जो फ्लो होता है तो वो सब हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है। तो उस वक्त जो है यही माना गया कि जो चार्ज जो मेरा फ्लो हो रहा है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब हायर लेवल बोले तो क्या, यानी कि पॉजिटिव, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हायर लेवल लेवल जो है वो माना गया। समझो इस बात को कि उस वक्त क्या माना गया कि अगर सपोज ये हमारा एक सेल है, ये हो गया पॉजिटिव, ये मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, सपोज ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से मैं एक वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये वायर मैंने कनेक्ट कर दिया और एक बल्ब भी लगा दे रहा हूँ सपोज, ठीक है। तो उस वक्त जो ये माना गया कि जो फ्लो जो हो रहा है ना वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है, यानी कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो फ्लो कर रहा है, ये माना गया, ये लिया गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन क्या है कि वो बाद में डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन तो बाद में चीज़ें मालूम चली इलेक्ट्रॉन के बारे में, तब तक तो यही माना गया कि जो पॉजिटिव है जो है हमारा चार्ज वो फ्लो हो रहा है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए जो है डायरेक्शन ऑफ करंट भी जो लिया गया वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट भी आई भी जो है हमारा आई करंट इसी डायरेक्शन में लिया गया, करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में लिया गया। बट बाद में कब 1897 में, 1897 में जब जे थॉमसन आए, तो जे थॉमसन ने बताया क्या कि जो करंट जो हमारा फ्लो करता है, करंट नहीं, वो जब आए तो वो इलेक्ट्रॉन का जो है वो डिस्कवर किया उन्होंने, और वो उन्होंने बताया कि जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो करता है, वो हमारा नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। वो क्या फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज। अगर ये हमारा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये हो गया हमारा क्या, एक मैं सर्किट अभी बना देता हूँ, ये हमारा एक सर्किट मैंने बना दिया आपको। तो फिर जो है तब ये बात मालूम चली कि जो फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है हमारा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, ये जो हो रहा है फ्लो हमारा इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो कि सर जब इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव से फ्लो, पॉजिटिव से फ्लो हो रहा है, तो करंट भी तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए,
जाहिर सी बात है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए, मगर क्योंकि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन और जे थॉमसन के जो बीच का जो गैप है ना वो लगभग 150 साल का गैप है, और इस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे बुक्स ऐसे लिख चुकी थी, छप चुकी थी, जिसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लिया गया था, क्योंकि हर एक चीज़ जो फ्लो, मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी चीज़ जो फ्लो करता है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल पर फ्लो करता है, तो इसीलिए जो है आपका जो बहुत सारी जो थ्योरी लिखी जा चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें जो आपको आई थी वो इसी पर बेस्ड, कन्वेंशनल करंट पर बेस्ड ही जो है आपका आ चुका था। अब अगर इस पर चेंजिंग किया जाता, इसमें चेंज आता, तो फिर बहुत सारे बुक्स में चेंजिंग आते, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था, अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इसीलिए फिर क्या किया गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज नहीं किया गया, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो यही लिया गया फिर भी कि नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट अभी तो देखो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, बट डायरेक्शन ऑफ करंट जो लिया गया, डायरेक्शन ऑफ करंट जो लिया गया हमारा, वो लिया गया हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही लिया गया कि नहीं इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसको जो रखना है वो हमें पॉजिटिव से नेगेटिव ही रखना है। तो ये बात अब एकदम ध्यान रख लो, तुम गट बांध लो कि डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग क्या लेंगे, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी के अपोजिट हम लोग लेंगे क्या करंट को लेंगे। तो यही हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, जो टॉपिक था हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट इसी पर बेस्ड था, तो ये हो गया। तो ये आपको यहाँ से कन्वेंशनल करंट के बारे में भी मालूम चल गया कि कन्वेंशनल करंट क्या है हमारा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए मैं इसको जो है आपको लिख करके थ्योरी के साथ मैं देता हूँ ताकि आप नोट्स कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है कन्वेंशनल करंट बोलो या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट, उसका जो है मैंने थोड़ा डेफिनेशन लिख दिया है, अब चाहो तो उसको लिख लो, नोट कर लो, बहुत अच्छी चीज़ अच्छा है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन वाज नॉट नॉन, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर भी नहीं होता तब इलेक्ट्रॉन को जाना भी नहीं आता था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्या है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को उस वक्त खोज भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इट वॉज फाउंड दैट देयर वर टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दो टाइप का जो है इलेक्ट्रिसिटी है हमारा, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो ये पहले जो है ये लिया गया था, ठीक है। उसका क्या हो गया, एट दैट टाइम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वॉज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उस वक्त जो है पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो कर रहा है हमारा, उसी डायरेक्शन में करंट का भी जो है डायरेक्शन लिया गया। तो जैसे कि मैंने आपको इस फिगर में, फिगर नंबर वन में लिख दिया है कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ, बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था ये तब का है। तो उस वक्त क्या है कि पॉजिटिव जो चार्ज है हमारा वो फ्लो कर रहा है, और करंट का भी जो डायरेक्शन है हमारा, करंट का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में लिया गया। करंट भी जो है हमारा, आई का मतलब हो गया करंट, तो करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में लिया गया। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाद में जब जे थॉमसन आए और उसको जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, तो फिर उन्होंने बताया कि इट इज़ द इलेक्ट्रॉन विच मूव्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये फिर जब उन्होंने बताया तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स तो हमारा मूव कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिव टर्मिनल है हमारा एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, मगर फिर भी जो करंट का डायरेक्शन है, देखो ये डायरेक्शन मैंने दिया है करंट का, ये जो मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, बट करंट जो मूव कर रहा है हमारा वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, करंट का डायरेक्शन वही रखा गया, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स मूव, जिधर भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट जो है हमारा करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यही चीज़, तो ये आपको जो सेकंड टॉपिक में जो लिखा गया है यही बात लिखा गया क्या कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैम टू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्या बोला गया कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन, तो देयरफॉर कर देना कि देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है करंट फ्लो कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया, किसको, इसको लिया गया करंट को लिया गया। तो करंट यानी कि अभी भी हमारा करंट का डायरेक्शन वही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट का डायरेक्शन समझना बात को, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ये है हमारा। पहले था कि पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो कर रहा है तो ऐसा माना जाता था पहले कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करता है, तो इसीलिए जो है उसी के डायरेक्शन में लिया गया था। अब ये चीज़ जो है चेंज आ चुका है इनमें, जब ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है इस पर बेस्ड कुछ छोटे मोटे चीज़ें और हैं जो मुझे आपको बताना है, जैसे कि एम्पियर एंड गैल्वेनोमीटर के बारे में मुझे बताना है, एमीटर के बारे में एंड गैल्वेनोमीटर के बारे में मुझे बताना है, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज कर दूँ।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है ये लास्ट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसके फिगर्स भी आपको बोर्ड पे आ जाएंगे और इसका जो है आपका जो डेफिनेशन जो है इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो डेफिनेशन भी मैं बोर्ड पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो आप देख लेना, उसको उतार लेना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है हमारा। तो बात करें हम लोग क्या अमीटर की, तो जो करंट को जो मीजर किया जाता है, करंट को जो नापा जाता है, वो मीजर जो किया जाता है करंट को, वो हमारा अमीटर से, अमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं करंट को मीजर करते हैं। करंट को मीजर करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है, अमीटर। ठीक है, और एक और डिवाइस है हमारा। अच्छा, जब अमीटर को लगाया जाता है तो समझना इस बात को कि सर्किट के को उसके सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल नहीं लगाया जाता। सीरीज में लगाने का मतलब समझो इस बात को कि ये है हमारा, अगर ये सर्किट है, सर्किट है हमारा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है सपोज, तो ये हमारा एक सर्किट हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा हो गया एक बल्ब है, ये एक बल्ब हो गया। तो यहाँ अब जो इस पर जो लगेगा है ना एमीटर जो लगेगा, चाहे आप यहाँ लगाओ या फिर यहाँ लगाओ, मर्जी आपकी है। तो ध्यान रखना ये वाला बात कि ये हमारा भी इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो है डायरेक्शन ये इधर होगा। ठीक है ना, तो अमीटर का जो है, अमीटर को जो डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह से किया जाता है, देख लो कि ए सर्किट में जो अपन जो डिनोट करेंगे इस तरह से करते हैं, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिस तरफ, तो उधर हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल जिधर है उधर हम लोग डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे। तो ये अमीटर को लगाता है और उसको सीरीज में ही लगाता है, पैरेलल नहीं लगाता है। पैरेलल क्यों नहीं लगाता है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई अमीटर इज नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल टू इन सर्किट। तो सर्किट में वो पैरेलल क्यों नहीं कनेक्ट किया जाता है, इसके पीछे रीजन भी है। तो ये हो गया हमारा एमीटर के बारे में। देन हम लोग बात करते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है डिस्टेंस, वो भी जो है वो ये बताता है कि उसके अंदर उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट है नहीं है, ये हमें बताता है। और करंट भी मीजर करता है, बट वो बहुत सेंसिटिव करंट को मीजर करता है, बहुत छोटा सा करंट अगर हुआ तो उसको वो मीजर करता है, स्मॉलर करंट को मीजर करता है गैल्वेनोमीटर। दोनों का फिगर आप देख सकते होगे, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा दोनों का फिगर। तो एमीटर का जो फिगर है आप देख लो, तो इसमें जो आपका जो मीटर है वो आपका 0, 1, 2, 3 इस तरह से है, और गैल्वेनोमीटर का अगर आप फिगर देखोगे तो बीच में आपका 0 है, दोनों साइड हमें दिया हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है ना कि ये करंट तो मीजर करता ही करता है, इसके साथ साथ में क्या होता है कि ये डायरेक्शन भी बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो देखो कि बीच में सेंटर पे आपको जो है वो आपका 0 होगा, और दोनों साइड जो है आपको 1 से लेकर के काउंटिंग दिया होगा। तो वो जिस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, तो हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगा वो, जिस तरफ वो डिफ्लेक्ट करेगा, समझ जाना कि करंट का डायरेक्शन भी उधर की तरफ ही है। तो ये है गैल्वेनोमीटर और एमीटर का यूज़। तो एमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, करंट को मीजर करने के लिए, और गैल्वेनोमीटर का भी जो यूज़ है वो एमीटर का यूज़ करने के लिए किया जाता है। अब एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, सुन लो कि व्हाट हैपन इफ एम्पियर इज कनेक्टेड व्हाट पैरेलल। तो अगर एम्पियर को पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, पैरेलल का मतलब क्या हुआ। देखो ये सीरीज में हुआ, पैरेलल का मतलब ये हुआ, देखो समझना बात को, ये हो गया आपका पैरेलल, ये अभी मैं सीरीज कर रहा हूँ, ये सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है ये जान लो, पैरेलल का मतलब हो गया ये हमारा कि ये हमारा ये सर्किट है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, देन यहाँ पर है हमारा क्या, एक बॉल जो है वो लगा हुआ, सपोज कुछ भी रेसिस्टिविटी है, यहाँ पर हमारा बॉल लगा हुआ है। देन उसके बाद आप समझो इस बात को कि जो अगर मैंने इसको पैरेलल कनेक्ट कर दिया, पैरेलल ऐसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एमीटर को, यहाँ से मैं पैरेलल कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने एमीटर को कनेक्ट कर दिया पैरेलल, अब क्या होगा। तो क्योंकि एमीटर में क्या होता है, एमीटर का जो रेसिस्टिविटी होता है ना वो बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा होता है, एकदम कम होता है। तो अब क्या होगा कि करंट उधर ही भागना स्टार्ट करेगा जहाँ की रेसिस्टिविटी कम है। समझो आपको कि यहाँ पर ऐसे अगर आप मेरी तरफ आ रहे हो और मेरे पास में बहुत ताकत है, मैं आपको पुश कर रहा हूँ, तो आप मेरी तरफ नहीं आ पाओगे। अब वही एक बच्चा, छोटा सा बच्चा आपको पुश कर रहा है, तो आप उनको तो बहुत जल्दी धक्का मार दोगे, गिरा दोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो है पावर वो ज़्यादा है। तो उसी तरीके से जो मीटर जो है ना उसका रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, और जब क्या होगा कि जब उसको अगर अपन पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो जितना भी जो करंट जो पास करेगा वो यहाँ से पास नहीं करेगा, वो कहाँ से पास कर जाएगा, ऊपर से मीटर के थ्रू पास करेगा। और जब वो मीटर से पास करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, उस डिवाइस को जला देगा। तो यही चीज़ें हैं, इसका जो है फर्दर डेफिनेशन आपको लिखा हुआ आ ही गया होगा बोर्ड पर, तो इसको आप उतार लेना। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, ये चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई हैं।
तो यही रीज़न है कि अपन अमीटर को और गैल्वेनोमीटर दोनों को क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट नहीं करते हैं, है ना, सर्किट के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, वो सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही कुछ बातें थी जो कंप्लीट हो गया है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग कुछ और देखेंगे इस पर बेस्ड, एक दो वीडियो और होगा और देन उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी मुलाकात हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।